यार पिक्चरों में हमने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस में सेम वैसी ऐसा लग रहा है, फ्लेम निकल रही हो, इतनी तेज निकलती है उसकी लाइट में, आपको क्या है बताओ। एकदम असली वाला डायनासोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है आग उगल रहा है भाई, ड्रैगन वाली आग निकल रही है, कतई गजब भाई रे। हेलो फ्रेंड्स, पर जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस अल्टीमेट कलेक्शन में, जिसमें कि भाई कुछ होने वाले छोटे टॉयज तो कुछ होने वाले काफी बड़े टॉयज, और आज हमारे पास रोबोट से लेके एक आरसी स्मोक कार होने वाले, जो भाई साहब असली का धुआं छोड़ने वाली है। और आज में जो है एंड में 10 लोगों ने, बल्कि आज मिलने वाला है 15 लोगों को शार्ट आउट, जिनमें से किसी दो लोगों को आज एक मिलने वाली है आरसी स्मोक कार, वो भी एक ऐसी कार जो कि फॉर्मूला F1 रेसिंग कार है। ये देखो, ये टोटली रिमोट कंट्रोल है, इसके अंदर LED लाइट चलती है जो कि आप यहां पर देख सकते हो, और पीछे से जो है ना आरसी स्मोक निकलता है। इसके अंदर जो एक छोटी बोतल दे रखी होती है जिसमें पानी भरना होता है, और उसके बाद ये धुआं छोड़ते हैं कुछ इस तरीके से। और आप ये देख सकते हो इसका रिमोट कंट्रोल भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये भाई इजी टू कैरी है, यानी कि ना इसको कैरी करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक अटैची वाले ब्रीफ केस की तरह आपको मिलता है। तो आज जो 15 में से किसी दो बंदे की होने वाली है, बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली जितनी हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हमारी द एवेंजर्स की तरफ से आने वाली कैप्टन अमेरिका की पर्सनल कार, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये वाली जो कार है, ये है शेवरोले की कमैरो कार। और यार इस कार की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि इसके अंदर जो LED लाइट चलती है, साथ में इसका जो डोर है ना, ये भी ऑटोमेटिक खुलता है जब ये चलने लगती है। और इसके अलॉय व्हील्स वगैरह बहुत ज्यादा प्यारे, जब ये घूमते तो बहुत ज्यादा मजा आता है इसे देख करके। और ये भाई यहाँ से खुलती है ना तो रोबोट बन जाती है, यानी कि जब ये ऐसे कार ये खड़ी होगी ना तो इसके हाथ पैर सब खुल जाएंगे, और आपको दिख भी रही होंगी दो आंखें। तो ये जो आंखें हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मर वाली आंखें हैं, क्योंकि ये बनने वाली है एक ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपको देख के काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और भाई ये ट्रांसफॉर्मर और कोई नहीं, ये एवेंजर्स की तरफ से है हमारा कैप्टन अमेरिका। तो आ जाओ भाई, मैं आपको जो इसका एक लाइव डेमो देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर हमें डालनी होंगी 3 बैटरीज। तो ये इसके अंदर मैंने एक सेल डाल दिया, दूसरा सेल डाल दिया, और ये रहा इसके अंदर तीसरा सेल। तो भाई ये तीनों की तीनों जो बैटरी है, AA बैटरी है, और ये जो है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। या आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल इस तरीके से कार होती है, और उसके बाद ये 2-in-1 कार बन जाती है, यानी कि ये कार से बन जाती है ट्रांसफॉर्मर में कुछ इस तरीके से, जैसे आपको ये दिख रहा है। और ये कैप्टन अमेरिका ही है जो कि ये इस तरीके से कार में बन जाता है, और ये मैं अभी आपको चला के दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो भाई ये जो 2-in-1 वाली कार है, ये बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, बस इसको यहां से हमें खिसकाना और ये हो जाएगी ऑन। ये देखो इसके अंदर से आवाज आ रही है, और इसके अंदर भाई लाल कलर की और हरे कलर की जो है LED लाइट जलती है, जो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ये नीचे जो है ये पहिया घूमने लगता है, और उसके बाद जो है ना ये भाई यहाँ से ट्रांसफॉर्मर की तरह खुलना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये हो गया भाई बिल्कुल खड़ा ट्रांसफॉर्मर, और ये चलने के लिए है एकदम रेडी। और इसकी आइज देख रहे हो, चेहरा देखो यार, इतना गजब लग रहा है यार, बताई बवाल लग रही है। तो भाई आ जाओ, मैं आपको इसका एक लाइव डेमो देता हूँ। तो इसको करते हैं ऑफ, अब मैं आपको इसका एक लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। और जो ये है ना भाई, ये इसके हाथ में देखो छोटी सी एक बंदूक बना रखी है, ओए होए, मतलब दिल आ जाएगा यार तुम्हारे इसको वाक्य में। यार आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको लाइव देने वाला हूँ इसका डेमो। ओ भाई, इसमें से तो यार असली वाली ट्रांसफॉर्मर की आवाज आ रही है। ओ भाई, ये तो ट्रांसफॉर्मर बन गई यार, ये देखो एकदम रोबोट कार लग रही है। ओ यार क्या है यार ये बवाल चीज भाई, इसकी लाइट्स जो है इतनी कमाल लग रही है भाई, लाल और हरे कलर की। ओए होए यार भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये क्या लग रही थी यार ये अभी एकदम। चलो यार एक बार ना इसको भाई बाहर भी लेके चलते हैं। ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप भाई, कतई गजब यार, क्या है यार ये, देखो कितनी रियल कार लग रही है। ये लगी नहीं रही कि ट्रांसफॉर्मर बन गई थी अभी, लेकिन एक बार यहाँ भी चलाएंगे। ओ भाई साहब, जो साउंड आता है ना इसका भाई, रोबोट बनने वाला यार, कतई गजब भाई साहब, क्या जगमग आ रही है। और ये देखो दिन में भी ना इसकी लाइट दिख रही है, लाल और हरी भाई, छोटी छोटी लाइट अभी भी दिख रही है भाई साहब, क्या ट्रांसफॉर्मर लग रहा है ये, गजब है यार, कसम से भाई साहब, दिल जीत लिया इसने भाई, कतई बवाल भाई रे, मजा आ गया। तो भाई मैंने कहा था ना कि वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और पता सबसे अच्छी चीज मुझे यार, ये जो है ना, ये सिल्वर कलर की इन्होंने इसकी गन बना रखी है, एक नहीं बल्कि इन्होंने दो दो इसको गन दे रखी है। और वैसे एक्चुअल में आज हमारे पास 3 गन है। ये वाली जो गन है ना भाई, इसके ये पिचकारी वाली गन है, क्योंकि इसके अंदर से पानी भी निकलता है, मतलब कि आप जो है ना लेजर लाइट की जगह निशाना मार सकते हो पानी से। और ये भाई सॉफ्ट बॉल, ये बॉल है टेनिस वाली, जो काफी ज्यादा कमाल की है। और इसी के साथ भाई मैं आपको लेजर पॉइंटर भी दिखाने वाला हूँ, इसकी मदद से भी आप यूज कर सकते हो इसको। तो जो ट्रांसफॉर्मर का पूरा लुक है, मुझे काफी ज्यादा
अच्छा लगा, ये आपको भी देखने में एकदम ऐसा लगेगा मेटल का लेकिन ये प्लास्टिक का, लेकिन इसके ऊपर जो काम है ना वो बहुत अच्छा कर रखा है। और ये देखो इसका अलावील वगैरह हर एक चीज़ यार इतनी डिटेल में दे रखी है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो गोल गोल घूम रहा था ये इस पहिए के दम पे घूम रहा था, क्योंकि ये जो इसको 360 डिग्री रोटेट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार इसके लिए साबित होता है। तो यार मुझे तो जो है ना पर्सनली एवेंजर्स की कैप्टन अमेरिका की कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको भी ये 2-in-1 वाली कार बहुत ज़्यादा पसंद आई जिसके अंदर LED लाइट्स भी है, जिसके गेट भी खुलते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर बन जाती है हमारी कैप्टन अमेरिका की कार, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे लिख देना कैप्टन अमेरिका या फिर एवेंजर्स रोबोट कार या फिर 2-in-1 कार, ताकि मैं जो आपको इस कार को गिव अवे कर सकूं। वैसे 2-in-1 कार तो वो भी होने वाली, क्योंकि वो जो है एक RC कार भी है प्लस में RC स्मोक कार भी है, यानी कि रिमोट कंट्रोल से भी चलेगी, LED लाइट्स भी चलेगी और उसके अंदर से धुआं भी निकलने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फिर रोबोट। जो यार ये रोबोट है ना ये वाकई में काफी कमाल का रोबोट है। लेकिन अरे मेरे को एक चीज याद आई भाई, सबसे पहले ना तुम ये देखो यार, आज ये जो है ना वाटर गेम तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आयरन मैन वाली वाटर गेम तो है ही, लेकिन हमारे पास आज एक कार गेम भी है। इसके नीचे एक वॉलपेपर बना हुआ है जो भाई ये ऑटोमेटिक चलता है, ऐसे ट्रेडमिल चलती है वैसे चलेगा, और ये आपको गाड़ी आजू बाजू करनी पड़ेगी। ये देखो है ना कितना मजा, मतलब कि बहुत बढ़िया बना रखे, इन्होंने स्टीयरिंग व्हील दे रखा घुमाने के लिए, आपको पूरा ऐसा लगेगा कि आप कार चला रहे हो, अंदर मीटर बना हुआ है, ऐसा लगेगा कि एकदम असली चल रहा है। और ये जो गेम है ना पूरी की पूरी यार कार की तरह डिजाइन कर रखी है, देखो पूरा का पूरा इन्होंने शीशा वीशा बना रखा है। और इसके अंदर आपकी डलती है भाई छोटी वाली बैटरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए बैटरी, देखो इस पर लिखा हुआ है ना ट्रिपल ए, तो इस पर ट्रिपल ए वाली पेंसिल सेल डलेंगे, तो इसमें डालते हम 3 सेल। तो ये इसके अंदर भाई जो है हमने तीनों की तीनों बैटरी लगा दिया, और अब देखो मैं आपको दिलाने वाला हूँ बहुत ज्यादा मजा। तो ये बटन आपको दबाने से हो जाएगी आपकी गेम ऑन, और इसमें साउंड भी आएगा, ये देखा अब भाई गेम शुरू हो चुकी है हमारी। अब बस आपको जो अपनी कार को बचाना एक्सीडेंट से, ताकि आपकी कार का किसी का एक्सीडेंट ना हो। और ये देखो भाई कितने आराम से खेल के जा रहा हूं मैं, बस आपको जो गाड़ी ठुकने से बचानी है। और ये देखो ये आवाज ना यहाँ से आई है, मतलब गेम हमारी दी एंड हो गई है, तो ट्याओ 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 की आवाज आई है। और एक पता है क्यों हो गई, क्योंकि ये हमने हरी वाली गाड़ी से क्रैश कर दी, तो ये ज्यादा इधर को चलेगी मेरी गाड़ी, जिसकी वजह से इधर को क्रैश हो गई। तो इन्होंने ना ये एक वॉलपेपर लगा रखा है, एक मैप सा, जिसमें कि ना ये चलता है मशीन की तरफ से, इसके अंदर एक मशीन है, तो ये ना उसको घुमाती है इस वॉलपेपर को, जिसकी मदद से हमें ऐसा लगता है कि रोड आगे को जा रहा है और हम अपनी गाड़ी को दाएं बाएं कर सकते हैं। तो मुझे ये कार गेम जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया तो भाई आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे अपनी क्लास लिखना कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और उसके आगे जो है आपको लिखना होगा कार गेम, ताकि मैं जो आपको एक गेम कार गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और हाँ भाई अपना एड्रेस जरूर लिखना। तो RC स्मोक कार को दिखाने से पहले भाई मैं दिखा दूं कि मैंने ले रखा है इसके अंदर वाटर। अब मैं आपको ना एक चीज करके दिखाने वाला हूं, आपको एक ऐसी बॉटल मिलती है, इसको आपको दबाना है जैसे पोलियो वाली बूंद होती है, इस तरीके से दबा के रखोगे और ऐसे छोड़ दोगे, तो इसके अंदर जो है भाई पानी ऑटोमेटिक रिफिल हो जाता है, तो ऐसे आपको पानी भरना है। और ये वाला पानी जो है ना आपकी इस बोतल का किस किस चीज में काम आएगा, एक तो भाई ये काम आने वाला है इस वाली गन में, जो कि हमारी भाई वाटर गन है प्लस में बॉल वाली गन भी है, ये रोबोट के अंदर भी काम आएगा क्योंकि ये भाप मारेगा। और ये भाई स्मोक वाले डायनासोर में भी काम आने वाला है, क्योंकि ये जो डायनासोर गन है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग और बहुत तगड़ी होने वाली है। तो ये ले लिया भाई साहब हमने अपनी ड्रीम कार, जो की है भाई साहब रेसिंग कार, और ये जो है ना ये डॉज का मॉडल है, आपने देखा होगा जो मैड मैक्स फ्यूरी अगर पिक्चर आपने देखी हॉलीवुड की, तो आपने उसमें देखा होगा सेम पीछे जो है एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर से बहुत तगड़ा स्मोक निकलता है। और ये जो है भाई मैं आपको बता दूं, ये है वाटर टैंक, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखो वाटर टैंक। तो इसके अंदर जो है ना आपको बस थोड़ा सा पानी डालना, ज्यादा मत डालना, कहीं आपको ज्यादा डाल दो तो उसमें से जो है ना पलट जाएगा, बाहर को आने लगेगा। तो इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा पानी ऐड करने वाले हैं, थोड़ा सा पानी डालने के बाद जो है ना आपको इसको बंद कर देना है, और उसके बाद जो है आपको इसके अंदर बैटरी डालनी होगी। इसके जो है हमें रिमोट कंट्रोल के अंदर भी भाई 2 बैटरीज डालनी पड़ेंगी, तो इसके हमने रिमोट कंट्रोल के अंदर डाल दिया 2 बैटरी, और इसको भाई आपको लॉक कर देना। और ये वाला जो बटन है ना बीच वाला, इससे निकलेगा भाई गाड़ी में धुआं, और ये देख रहे हो इसका सिग्नल, ये बहुत तगड़ा सिग्नल देने वाली, क्योंकि इसका एंटीना काफ़ी बड़ा है भाई, ये आगे पीछे और लेफ्ट राइट करने के लिए इसमें सारे बटन इसमें हमें मिलते हैं। और प्लस में इसके अंदर जो है हमने अपनी 3 बैटरीज डाल दी, और इसको कर देंगे बंद। और ये जो है भाई ये है ऑन ऑफ का बटन, तो ये यहाँ से किसका हो गया, तो ये गाड़ी हो गई ऑन। तो अभी आप सोचोगे चला कैसे, तो ये जैसे आप आगे को करोगे तो ये बहुत तेज़ी में भाई टायर इसका ना गोली की तरह भागेगा, और जैसे पीछे करोगे तो ये रिवर्स गियर में जाती है। तो ये वाला बटन को मैं जैसे इधर को करूंगा ये हो जाएगा राइट में, ये देखो ये टायर भाई राइट में है, तो यानी ये राइट में जाएगी, और अब ये लेफ्ट में तो लेफ्ट में जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके नीचे जो आप छोटे छोटे बल्ब देख रहे हो ना दो, एक ये रहा एक ये रहा, ये कुछ ना इस तरीके से चलेगी, जैसे आप इसको गाड़ी को आगे को लेकर जाओगे गोली की तरह चलती है, और भाई अंधेरे में काफी ज्यादा जगमगाती है। और प्लस में ये वाला जो बटन है ये आपको पता है भाई ये करने वाला बहुत ज्यादा धमाल, इसके अंदर लाइट जलती है, देखो इस तरीके से लाल कलर की लाइट जलेगी, और जो हमने इसके अंदर पानी डाला है वो इसके अंदर 1 से 2 सेकंड लेगा, और उसके बाद भाई धुआं निकालना शुरू करता है,
और अंधेरे में ये धुआं जो है वाकई में इतना ज़्यादा असली का लगता है ना, मैं आपको भाई क्या ही बताऊँ। ये देखो ये धुआं इस टाइम पे निकल रहा है, अगर आप फील कर पा रहे होगे स्क्रीन पे, तो अंधेरे में जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख पाओगे और आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मज़ा देने वाला हूँ, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। ओह माय गॉड यार, ये देखो कितना ज़्यादा रियल लग रहा है। ये मॉन्स्टर कार जो है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और इसके टायर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे F1 रेसिंग कार हो। तो भाई एक बार जो है इसको दिन में टेस्ट करने वाले। ये देखो ओ भाई साहब, इसकी स्पीड और इसकी हेडलाइट देखी, वो पीछे से देखो यार ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक आग की तरह फेंक रही हो, जैसे आग नहीं फेंकते यार पिक्चरों में हमने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस में, सेम वैसी ऐसा लग रहा है भाई फ्लेम निकल रही हो। भाई साहब क्या RC स्मोक गाड़ी है, मज़ा आ गया। साउंड वगैरह भी बहुत अच्छा, लाइटिंग भी वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, और ये अंधेरे में तो ओए होए कतई बवाल। भाई साहब इतनी तेज निकलती है इसकी लाइट, मैं आपको क्या बताऊँ। और पीछे बताओ भाई, दो लाल कलर की LED लाइट जल रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही है धुएं की जगह। और भाई रे, बनाने वाले ने कतई गजब चीज़ बना दी, मज़ा आ गया यार। तो भाई मैंने क्या कहा था, वाकई में यार ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये जो इसका स्मोक निकलता है ना एकदम धुआं, मुझे भाई इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करा था। भाई सबसे पहले जो है ना इसको ऑफ कर देते हैं। इसके टायर्स की बात करूँ तो भाई जो इसके टायर की ग्रिप आप देख रहे हो ना, एकदम आपको ये MRF अपोलो टायर्स वाली टायर की फीलिंग देता है, और ये बहुत गोली की तरह भागता है। ये आप एक उंगली से अंदाजा लगा सकते हो कि एक उंगली से इतनी तेज़ भाग रहे थे, और रिमोट कंट्रोल से कितनी तेज़ चलेगा, और आपको इसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एंटीना इतना स्ट्रांग है भाई, इसके सिग्नल बहुत तगड़े आते हैं, तो आप जो है दूर से खड़े खड़े इस गाड़ी को चला सकते हो। इसीलिए इस पर लिखा भी हुआ है कि स्पीड है। और ये जो इसका मटेरियल है भाई, ये देखो काफ़ी ज़्यादा पक्के मेटल की बना रखी है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जिसके अंदर भाई टर्बो इंजन वाली टेक्नोलॉजी इन्होंने डाल रखी है, टर्बो से मतलब कि काफ़ी पावरफुल है, एकदम असली वाला टर्बो मत समझना। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और भाई ये वाकई में एक RC कार है, जो कि RC स्मोक कार है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जितनी भी हमारी कार्स है ना, चाहे कार गेम हो गई, चाहे हमारी एवेंजर्स की कार हो गई, चाहे हमारी मस्टैंग वाली कार हो गई, ये चारों कारें बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, वो जो फोर्ड की मस्टैंग कार है ना, ये एक मेटल की कार है जिसको हम डाईकास्ट कार कहते हैं, जो हॉट व्हील्स वाले बनाते हैं, और ये बहुत अमेजिंग है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले भाई मैंने आपको ओवर दिखाने का वादा करा था, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। अगर आपको ये पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे, वाओ लिख देना, और उसके आगे लिख देना RC स्मोक कार, क्योंकि ये RC स्मोक कार है, और उसको लिख देना रोबोट कार, और ये है कार गेम, और उसके लिए भाई डाईकास्ट लिखना। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर। तो भाई साहब हमारा जो है डांसिंग स्प्रे रोबोट आ चुका है। ये जो है कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, और ये भाई दो कलर में आता है, एक व्हाइट वाले कलर में और एक इस वाले में जो कि ब्लू कलर है, जो कि मेरे पास है। आप ये देख सकते हो इस पर दो कलर दे रखे हैं इन्होंने, और ये दोनों के दोनों कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये भाई लाइट्स वगैरह जलती है, ये स्टीम वगैरह निकालता है, स्प्रे निकालता है, और ये जो है ना भाई साहब ये अपने हाथ से शूटिंग भी करता है। इसके एक डार्ट दे रखा है इस बॉक्स के अंदर, उससे शूटिंग होती है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे। तो भाई सेम चीज़ इसके अंदर हमें दो चीज़ मिलने वाली है, एक तो वाटर वाली। चलो भाई फटाफट से इसके अंदर वाटर फिल करते हैं। तो ये ले लिया भाई मैंने वाटर, इसको जो आपको पहले दबा देना है, अभी मैंने दबा दिया तो इसके अंदर सारी हवा बाहर निकल गई। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये हवा की तरह अंदर खींचेगा पानी को। तो ये देखो अभी जैसे मैंने छोड़ा तो इसके अंदर आ गया सारा का सारा पानी। तो ये भाई हमारा जो है ब्लू वाला, ये देखो इसकी चीज की मैं बात कर रहा था, ये जो है ना भाई इन्होंने बना रखा एकदम हनीकॉम की तरह, और ये ना 3D है, जिसकी मदद से जो है ना इसके अंदर जो लाइट चलती है वो भाई एकदम 3D डायनामिक लाइट्स फेंकती है। और इस जो मैं डार्ट की बात कर रहा था, ये भाई आपको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे दबाओगे एक बार, ये देखो ये हो गया भाई लोड, और आपको ना एक आवाज़ भी आएगी जैसे मेरे को अभी आवाज़ आई है। और इसके अंदर जो है ना आपको इस साइड से डालना होता है वाटर। ये देखो ये कैप आप खोलोगे, और उसके बाद ये जो भाई वाटर की बोतल है इसको इस तरीके से लगाना, और आप जैसे दबाओगे ये सारा पानी भाई इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत है इसको आप ऐसे हाथ से साफ कर देना, और उसके बाद इस कैप को आप लगा देना। अब जो है भाई ये हमारा जो है यहाँ से स्प्रे मारेगा, और इधर से जो है ना ये डार्ट फेंक के मारेगा, इसीलिए इन्होंने बटन भी दे रखा, जैसे बटन दबाएंगे तो इधर से डार्ट को मारता है। और इसके अंदर जो है ना काफ़ी सारे आपको अमेजिंग फंक्शंस मिलने वाले। ये देखो इसमें भाई ऑन ऑफ का बटन दे रखा, ऑटो का है, मतलब जैसे दबाओगे ऑटोमेटिक सारे फंक्शन दिखाएगा, डार्ट भी मारेगा, स्प्रे भी करेगा, और ये डांस भी करेगा। और म्यूजिक का बटन है, आगे पीछे करने का बटन है, और ये वाला जो है ना ये भी एक व्हील है जो कि भाई इसको ऊपर नीचे आगे पीछे होने में मदद करेगा। वो पीछे से देख सकते हो ये कैसा एकदम बॉडी बिल्डर की तरह दे रखा इसका डिजाइन। ये देखो ये हाथ इसके ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब हैंड के मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये पीछे इन्होंने एक बक्कल दे रखा है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसको आप इस तरीके से पकड़ सकते हो हुक की तरह एकदम। तो मुझे जो है ना भाई ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भाई लेफ्ट और ये राइट, ये दोनों की दोनों आइज़ें जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तरीके से जलती हैं। और नीचे जो है भाई ये है इसका बैटरी वाला कंपार्टमेंट, इसको खोल के इसके अंदर हम बैटरी डालने वाले हैं। ये जो है भाई 1, 2, 3 इसके अंदर हमने 3 डाली है AA वाली बैटरी। और उसके बाद जो है आपको इसको करना पड़ेगा ऑन, और ऑन करने के लिए ये रहा इसका बटन, जो स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन यही है। तो भाई जैसे इसको दबाओगे ये देखो ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, जैसे पिक्चर में आपने देखा होगा ना, इस तरीके से आवाज निकालता है।
और इसी तरीके से जो है ना आप इसको लंबा दबा के रखोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखो तो ये अब हो चुका है बंद, तो इसी से ऑन होगा और इसी से ऑफ होगा। तो आजा भाई मैं बाकी आपको इसके मजे दिखाने वाला हूँ और इसकी जो डायनामिक्स लाइट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आजा मेरे साथ लाइव। यार ये देखो भाई कितना बढ़िया ग्रूव कर रहा है और इसकी लाइट्स देख रहे हो यार, क्या कमाल की लाइट जल रही है भाई, नीली हरी। और यार ये डांस मूवी इतने प्यारे हैं। और ये देखो यार क्या स्प्रे फेंक रहा है भाई साहब, एकदम असली वाला धुआं फेंक रहा है, पता लाइट भी जल रही है नीली लाल, क्या लग रहा है यार ये। और अब देखो भाई निशाना ये फटैक, ओ भाई साहब ये डॉट सीधा दीवार पे जाके चिपक गया टाइल पे, मजा आ गया तो यार ये जो चीज है ना ये देखो, ये मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। ये बटन जैसे दबाओगे ये देखो ये सीधा बाहर आ जाता अपने ऑटोमेटिक, बहुत तेजी से बाहर आता है ये। और ये ना आगे इन्होंने एक वैक्यूम टाइप का दे रखा, मतलब कि अगर कुछ गीला टाइप का कुछ होगा ना टाइल टाइप जैसी, तो उसमें पता है चिपक भी जाएगा। इसके अंदर पता अलग अलग तरीके की लाइट जलती है, जैसे कि ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई, पर्पल हो गई, पिंक हो गई, काफी अलग अलग तरीके की लाइट्स दिखाता है। और ये भाई 3D लाइट्स है जो कि जो है रिफ्लेक्शन में आती है। देखो एकदम डीजे वाली लाइट्स आई है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। और ये पता भाई कैट का साउंड भी निकाल आता है, देखो ये वाला जो म्यूजिक वाला बटन है ना ये दबाओ तो कैट की जगह भाई इस बार जो है काऊ की आवाज आई है तो भाई मतलब कि ना अलग अलग इसके अंदर से भाई निकलने वाले साउंड और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद है और इसकी जो लाइट्स है ना वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगी यार। मतलब ये जो रोबोट है इसने मेरा वाकई में दिल जीत लिया। आपने पिक्चर देखी होगी ना रोबोट, उसमें एक रोबोट था जिसका नाम था चिट्टी द रोबोट, तो भाई मैंने इसका नाम रखा चिट्टी द रोबोट। अगर आपको चिट्टी द रोबोट पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे लिख देना चिट्टी द रोबोट, ताकि मैं जो आपको चिट्टी द रोबोट गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब हमारी रोबोट के बाद बारी आती है हमारी एक मस्त वाली गन की, जिसको मैं कहता हूँ रजनीकांत वाले स्टाइल में कि ये ना रास्कला माइंडेड धाय धाय धाय। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद लगती है। और ये जो है ना भाई ये देखो इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास दे रखा है जिसमें से कि ना आपको सब कुछ दिखता है लाइव, और यहाँ से भाई पानी की बुहार निकलती है, एकदम फुहारे की तरह पानी निकलता है जो काफी ज्यादा अमेजिंग इसको बनाता है। कुछ नहीं करना इसको, सिर्फ आपको भाई यहाँ से हटाना है थोड़ा सा, मेरे थोड़े नेल्स छोटे हो चुके हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पर जो आपको इसके अंदर पानी डालना है, जैसे मैंने इसके अंदर आपको पानी लेके दिखाया था इसी तरीके से आपको पानी लेना है और इसको आपको यहाँ से पानी डाल देना है। और जब आप इसको पानी डाल दोगे तो जब आप इस बटन को दबाओगे तो यहाँ से ना भाई पानी की छींटे भी निकलेगी, प्लस में आपका निशाना भी काफी अच्छा लगेगा। और निशाना मारने के लिए आपको मिलते हैं भाई 5 इस तरीके की गेंद। ये देखो ये 1 2 इसकी साउंड सुनो, ये देखो क्या साउंड है यार, मजा आ गया। मतलब इसके अंदर जो है भाई देखो 4 ही जा सकती हैं, तो ये 5वीं नहीं जा रही, तो यानी कि जो है ना इसके अंदर यहाँ तक स्पेस है। तो इसके अंदर देखो 4 जा रही हैं। और ये देखो भाई इसके अंदर बकायदा दिख भी रही है 1 2 3 4। तो ये जो ट्रांसपेरेंट इन्होंने कांच दे रखा ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अब मैं आपको इसको ना चला के दिखाने वाला हूँ, तो पहले तो आपको इसको लोड करना है। वाह यार मतलब क्या साउंड है तो भाई ये देखो ये निकल के आ गया एकदम लड्डू की तरह बाहर, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मैं जो ना इसको आपको लाइव निशाने दिखाने वाला हूँ इसके, तो भाई मेरे साथ लाइव आ जाओ। और मैं आपको बता दूं हमारा टारगेट क्या होने वाला है आज, हमारा टारगेट होने वाले हैं भाई ये 3 बंबू से। तो आज जो हम इन तीनों कीड़ों को ही बहुत अच्छे तरीके से इनकी पटाई करने वाले, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। सबसे पहले भाई हमने तीनों के तीनों अपने टारगेट लगा लिए जो कि यार इंसेक्ट्स हैं। ये देखो भाई एक बॉल हम इसके अंदर अब डालने वाले हैं, एक सॉफ्ट बॉल और डालेंगे और एक सॉफ्ट बॉल और डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 है टारगेट और 3 बॉल। ओ भाई साहब एक एक बारी में भाई ये गिर रहे हैं, देख रहे हो निशाना क्या बात है। अब भाई पिचकारी वाला टेस्ट भी करेंगे, तो पिचकारी से भाई एक बारी में नहीं गिरा। ओए क्या बात है भाई पानी की धार दे दी गिर गए। वाओ यार क्या गन है यार ये तो यार ये जो गन है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और वाकई में यार ये जो है भाई इतनी स्टाइलिश है, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कि यार आप जो है इसका एक बार कलर कॉम्बिनेशन देखो, मतलब भाई नेवी ब्लू व्हाइट कलर ब्लू कलर जो कि एक्वा कलर होता है सेम वही वाला कलर है, और आगे से ऑरेंज कलर भी दे रखा है, और आगे जो येलो बॉल है ये और भी ज्यादा इसको खूबसूरत और 3D बनाती है। तो इसको कुछ नहीं करना भाई, बड़ी आसानी से आप इसको चला सकते हो, बस इस तरीके से स्टाइल करना है रास्कला और उसके बाद माइंडेड। ये देखो भाई कैसे मेरे हाथ पे लग के वो चल के बॉल ही चली गई तो अगर आपको भी भाई ये टॉय गन काफी ज्यादा पसंद आई हो जो कि 2-in-1 गन है, बॉल भी निकलती है और पानी भी निकलता है, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिखना और उसके आगे लिख देना 2-in-1 गन, ताकि मैं जो आपको 2-in-1 गन गिव अवे कर सकूं। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है भाई हमारे लेजर पॉइंटर की, जो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला और बहुत ज्यादा कमाल का। तो भाई ये जो हमें इस तरीके से एक लेजर पॉइंटर देखने के लिए मिलता है जो काफी ज्यादा तगड़ा, और भाई इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक जाती है इसके, क्योंकि बॉक्स पर ही ऐसा लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो है एक इतना बड़ा देखो जॉइंट सेल मिलता है, और आप देख सकते हो कि ये जो 4800 mAh की बैटरी है, मतलब अपने आप में पूरी की पूरी इतनी बड़ी बैटरी है, कमाल यार ये। लेकिन उससे पहले यार मैं एक चीज दिखा दूं जो मुझे काफी ज्यादा इस पर अट्रैक्ट करा है,
वो है भाई साहब ये चार्जर। इसके अंदर आपको ना एक चार्जर मिलता है, यानी कि आप सोच रहे होगे कि यार अगर ये हमारा इतना बड़ा सेल खत्म हो गया तो हमें बार बार खरीदना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको जो है इसी को वापस से चार्ज कर लेना है। तो इसको जैसे आप नीचे करोगे तो इस तरीके से जो है आपको इसके अंदर फिट कर देना, और ये देखो ये भाई चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ना लाल दिखाएगा, क्योंकि जब आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो ये लाल रहेगा। मैंने इसे चार्ज कर रखा ऑलरेडी तो इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, तो जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो ये इसी तरीके से हरा दिखाता है, और जब ये भाई एकदम इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो ये एकदम लाल दिखाएगा। आपको इसी तरीके से लगा कि किसी भी घर में कहीं पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये जो है मुझे इसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो है ना नॉर्मल इतना मोटा सेल जल्दी कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा करा कि इसके साथ एक चार्जर भी हमें दे रखा है, और प्लस में इसके साथ हमें भाई एक चाबी भी मिलती है, एक नहीं बल्कि उसके अंदर दो चाबी है जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। और इसको जो है इस तरीके से भाई घुमाना है और ये हो जाता है लॉक, और भाई ये एकदम अब यूज़ होने के लिए तैयार है। और अभी ना मैं इसको आपको अंधेरे में दिखाने वाला हूँ भाई, आप चौंकने वाले हो क्योंकि आपको आने वाले काफ़ी ज़्यादा मज़े। तो ये जो है ना भाई चाइल्ड सेफ्टी के लिए, जब आप इसको लाल पे करके रखोगे तो आप जितना मर्जी बटन दबा लो, ये देखो ये जो है वर्क नहीं करेगा, और जब आप इसको ग्रीन पे कर दोगे तो ये जो है ना भाई प्रॉपर वर्क करने वाला है, क्योंकि अब ये जो है हो चुका है ऑन। और इसके अंदर जो है ना यार हमें डोरी देखने के लिए मिलती है, यानी इसको आप अपने हाथ में भी टांग के बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी बटन बटन दबा के आराम से चला सकते हो। बस इसके ऊपर इन्होंने एक दे रखा है वार्निंग कि ये डेंजर है आइस के लिए, मतलब इसको आइस की तरफ करके मत चलाना, क्योंकि इसकी जो है ना वाकई में काफ़ी ज़्यादा तेज और बहुत तगड़े तरीके से निकलती है इसकी रोशनी। तो आ जाओ भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक लाइव डेमो, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। और पर देखो भाई एक बार कोई डिज़ाइन देखो यार, ऐसे लग रहा है किसी ने भाई हीरे लगा दियो, क्योंकि एक्चुअल में भाई ऐसे ही होते हैं हीरे एकदम, भाई वही शेप है वही आकार है। और आकृतियां देखो भाई रे, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, भाई देसी स्पाइडरमैन का आप गाना बजा सकते हो, क्योंकि एकदम डिस्को वाली लाइट जल रही है। और ये लेजर देखो भाई साहब, मतलब क्या बवाल चीज है, ओ माय गॉड भाई। ये देखो मैंने कैमरा जूम कर दिया, पिक्चर फट चुकी है लेकिन कितनी दूर तक जा रही है, ओए भाई साहब ये देख रहे हो, पता नहीं किसके घर पे टकरा रही है, क्या टकरा रही है, बल्ब से भी टकरा गई, ओ माइंड ब्लोइंग यार ये वाकई में बहुत अच्छी। और आसमान में देखते हैं एक बार भाई, आसमान में नहीं पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर जा रही है 5 किलोमीटर जा रही है, क्योंकि आसमान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वाकई में बहुत खतरनाक है ये कहा था ना मैंने कि वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और भाई ये ना आंखें चौंधिया जाती है, और वाकई में इतनी दूर जाती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई मैं जो अभी के लिए इसको लॉक करने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और इसको छेड़े। तो भाई ये जो मुझे पर्सनली लेजर लाइट की जगह जो है मुझे लेजर पॉइंटर बहुत पसंद है, क्योंकि लेजर लाइट जो है ना ज़्यादा दूर नहीं जाती है, लेकिन लेजर पॉइंटर जो है काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाता है। और ये जो है इसके अंदर आपको दो सेफ्टी वाली कीज़ मिलती है और एक लॉक मिलता है, जो मुझे भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा लालची बना देता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया, अगर आप लोगों को भाई ये लेजर पॉइंटर पसंद आया इतना बड़ा, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिख देना लेजर पॉइंटर, याद रहे लेजर लाइट मत लिखना, क्योंकि लेजर लाइट छोटी होती है और वो एक गली तक ही जा पाती है। आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल, और उसके आगे लिखना है लेजर पॉइंटर, जैसे इस पर लिखा लेजर पॉइंटर। तो चलो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और इसको रखने का भी ना कोई झंझट नहीं है, मतलब ये जो है ना आप पूरा का पूरा रख सकते हो एक इस तरीके से बॉक्स में, क्योंकि इसका एक बॉक्स आता है लेजर पॉइंटर लिखा होता है, और इसके अंदर जो है ना ये देखो मैग्नेट लगी होती है, तो ये आप इस तरीके से इसको हटाओगे, ये देखो ये जो है ये मैग्नेट लगी हुई है इसकी, मेरे को पहले पता नहीं था, तो इस वजह से यहां से फट गया था गलती से। तो ये यहां से मैग्नेट लगी होती है, अपने आप ऑटोमेटिक चिपक जाता है और अपने आप ही ऑटोमेटिक छूट भी जाता है, और ये पूरा का पूरा आप इसके अंदर वापस से सामान रख सकते हो, जो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो मैं आपको एक बार रख के भी दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर जो है ये अच्छे तरीके से आ चुका है, और अब जो है ये भाई हमने अच्छे से पैक कर दिया। अब भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा टोनी स्टार्क की तरफ से आने वाला 3D आयरन मैन वाला जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। तो भाई ये जो मुझे आयरन मैन बहुत पसंद है, और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर जो चैन का जो आप लॉक देख रहे हो, ये देखो कैसे एक से एक ये सटके लगे हुए हैं, ये देखो है ना, मतलब इसके अंदर भाई बिल्कुल भी गैप नहीं है, और इसी वजह से जो है ना मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको आप जो है ज्योमेट्री बॉक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो, और आप इसको एक मेकअप बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है भाई इतना सारा स्पेस है। मैं आपको क्या बताऊँ, देखो मैं जो भाई इसको पिगी बैंक की तरह भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना आप पैसे वगैरह भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ये देखो एक सिक्का रख रखा था। तो जो है ना आप इसके अंदर भाई अपने पैसे वगैरह भी जोड़ सकते हो, अगर आपको इसके अंदर अपने नोट डालने हैं, आपको अपनी लिपस्टिक मेकअप का सामान कुछ भी रख सकते हो, और इधर आपके फेवरेट पेन आ सकते हैं, जैसे यूनिकॉर्न वाला पेन है आप इसके अंदर लगा सकते हो, आपके जो फेवरेट कलर्स हैं, इधर आपके 12 के 12 स्केच पेन आ सकते हैं, पेन पेंसिल शार्पनर रबड़ इरेजर डी कंपास सब कुछ आ सकता है। मतलब ये अपने आप में जो है ना भाई एक 3-in-1 वाला स्पेस वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसको जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसके पीछे भी आयरन मैन का लोगो बना हुआ है, जो कि है एवेंजर्स का लोगो, ये देखो कितना तगड़ा। और इसके अंदर भाई एवेंजर्स में जो है ना ये जो आप लोगो देख रहे हो, बीच में देखो आयरन मैन की भी इन्होंने झलक बना रखी, और ये पूरा मटेरियल
प्यू लेदर का है, जो प्यू लेदर होती है भाई, ये प्यू मटेरियल है, तो ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, और क्योंकि इसकी फिनिशिंग इसी तरीके से होती है तो इस पर धूल मिट्टी भी नहीं बैठती, और आपका जिस दिन एग्जाम हो तो आप इसको बस इस तरीके से कैरी करके लेके जा सकते हो, लोगों को लगेगा कि भाई आपने अपने हाथ में कोई कॉपी या कोई बुक पकड़ रखी है, और इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपको जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, उसके आगे लिख देना आयरन मैन का जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स गिव अवे कर सकूँ। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। हमने अपने हाथ में डायनासोर गन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, ये भाई नीली हरी ब्राउन कलर की, पता नहीं कितने कितने कलर्स में आती है, और इसके अंदर भी एक हमें मिलती है भाई पानी वाली बॉटल देखने के लिए। तो भाई इसको जो है इस तरीके से ओपन करना है, और इसको जो है इसमें भी बैटरी लगने वाली है, तो सबसे पहले भाई इसके अंदर दो सेल डालने वाला, और ये देखो प्रॉपर इन्होंने भाई इसको 3D लुक दे रखा है। ओए ओए क्या लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गजब का लग रहा है यार ये। अरे पर इसमें पानी वाला सिस्टम कहाँ पे था? तो यार ये जो है ये वाला इसका पानी का सिस्टम है, यहाँ पर हमें वाटर डालना है। ये ले लिया भाई हमने इसकी बॉटल में थोड़ा सा वाटर, ये देखो इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है, और जैसे आप इसको दबाओगे तो ये जो है इसके अंदर वाटर चला जाएगा। तो भाई ये देखो मेरी उंगली पर भी गिर गया थोड़ा सा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जो है ना पानी इसके अंदर ज़्यादा फिल मत कर देना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा जैसे आप ये बटन दबाओगे, क्योंकि ये जो है एक डायनासोर की गन है जो कि भाई साहब स्मोक फेंकने वाली है, धुआं, और यहाँ पे पता है एक लाल कलर की लाइट जलेगी जिससे लगेगा कि भाई ये जंगल के अंदर चल रहा है, और इसमें आवाज़ भी आएगी जंगल वाली। और ये जो है ना ये जो स्टील का आपको जिसके अंदर पार्ट दिख रहा है ये मेटल का पार्ट है, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे धुआं बनना स्टार्ट होता है, और इसमें डलेंगी हमारी दो बैटरी। तो जैसे गन को लोड करते वैसे इसको लोड करेंगे, तो ये डाली हमने पहली वाली बुलेट, और ये डाल दी भाई हमने इसके अंदर दूसरी बुलेट। तो भाई ये हो गई हमारी गन लोड, और ये देखो ऐसे इसके अंदर आवाज़ आती है, और भाई ये जो आप ये लाल कलर देख रहे हो ना वाक्य में आपको लगेगा कि 3D कलर, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज है भाई इसकी रोशनी, ये देखो रोशनी कितनी तेज है, सोचो ये लाइट में ऐसा दिख रहा तो अंधेरे में कितना ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। और ये इसका पंजा वगैरह जो ये भी बहुत ज़्यादा कूल है, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। वाओ गाइस एकदम असली वाला डायनासोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है आग उगल रहा भाई, ड्रैगन वाली आग निकल रही है, कतई गजब भाई रे बवाल हो गया भाई मैंने कहा था ना कि ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा गजब की है, और इसके अंदर से जो धुआं निकल रहा था कितना ज़्यादा रियल लग रहा था, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको भी भाई साहब ये रियल वाला डायनासोर पसंद आया तो भाई मुझे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर से जंगलों की भी आवाज़ आ रही थी, और ये एकदम लाल कलर का जब जलता है तो ऐसा लगता है कि इसके मुंह में आग निकल रही है, ऐसा लगता है कि आग से निकलता है ना धुआं, सेम ये लाल लाइट इसीलिए लगाई है ताकि जब धुआं निकले तो हमें ऐसा लगे कि ये आग लग रही है, आग जैसे फेंक रहा है डायनासोर, सेम ऐसा लगा था कि भाई अपने मुंह से आग फेंक रहा है। मुझे ये डायनासोर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसकी स्किन का जो है ना भाई बिल्कुल इन्होंने 3D बना रखी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आपको एक नाम उसके आगे वॉ लिख देना, उसके आगे लिख देना स्मोक डायनासोर गन, ताकि मैं जो आपको ये स्प्रे वाली डायनासोर गन गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई ये ले लिया हमने अपना स्पाइडरमैन का स्लैप बैंड, जिसको आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही आप मारोगे तो ये देखो एकदम स्पाइडरमैन का लोगो जो है आपकी कलाई पे आ जाएगा, और ये स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा असली है। और अगर आप चाहो तो इसको ना आप एग्जाम में भाई स्केल की लाइन बनाकर भी खींच सकते हो, जब आपको अपने पन्ने पे कोई लाइन खींचनी होगी, प्लस में आप जो है स्पाइडरमैन के फैन भी बन सकते हो, बस इसको इस तरीके से इसके अंदर ऐड करना, और ये देखो स्पाइडरमैन आ गया आपके हाथ पे, है ना कितना गजब का। और ये वाक्य में इसका जो लुक है 3D लुक दे रखा जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये दूसरा वाला जो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये है बैटमैन का, और बैटमैन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर जो है ना बैटमैन मैं आपको इसके अंदर जो है पहले लगा के दिखाता हूँ, या आप पीछे से देख लो पहले, तो इस तरीके से ये जो है भाई इस तरीके से अटकता है, और ये प्रॉपर जो है आपका बनके तैयार हो जाता है, उसके बाद आप इसको बैटमैन को लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ना 3D बैटमैन है, और ये देखो ऊपर भी इन्होंने एक 3D लाइन छोड़ रखी है ताकि आपको पूरा ऊपर जो एकदम 3D फील आए, ऐसा लगे ये भाई बैटमैन की छाया है। तो बैटमैन हो गया, और ये स्पाइडरमैन का स्लैप बैंड, मुझे दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको भी पसंद आए हो तो आपको लिखना अपना नाम, और उसके आगे लिख देना भाई स्पाइडरमैन एंड बैटमैन स्लैप बैंड, ताकि मैं जो आपको दोनों के दोनों स्लैप बैंड गिव अवे कर सकूँ। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिल्च काओ, और ये काओ ना अपने पैरों पर चलती है, चारों के चारों पैर पर ये चल के आपको दिखाने वाले। तो चलो भाई इनको रखते हैं इनकी जगह पर। तो ये ले लिया भाई काओ हमने अपने हाथ में, और ये जो है ना इसके अंदर भी देखो यहाँ पर स्पीकर दे रखा है, और ये इसकी आंखों में लाल लाइट जलने वाली है, और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ से हमें भाई डालनी है दो बैटरी। ये ले लिया भाई हमने अपने दो सेल, जो कि दोनों के दोनों जो है ये डबल ए वाली बैटरी है। तो ये बैटरी लगाने के बाद जो है आपको इसकी कैप को वापस से लगा देना, और ये देखो तो ये वाला बटन जो है आप जैसे ही ऑन करोगे तो ये देखो इसकी आईज में जो भाई लाइट निकलनी शुरू हो जाती है, और ये लाइट काफ़ी ज़्यादा इसको असली बना देती है गांव को। और ये जो काव है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और म्यूज़िक यहाँ से चलता है, और इसकी स्पीड देख रहे हो मतलब कितनी तेज़ भाग रही है भाई
तो आ जाओ यार, मैं ना आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ क्योंकि वाकई में काफी तेज भाग रही है। ये देखो भैया हमारी गाय, देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब, सचमुच में मिल्च कौर लग रही है और कितनी हकीकत वाली लग रही है। देखो आंखों में वो भाई साहब, आप देखो कितनी ड्रावनी आंखें लग रही है, ऐसा लग रहा है गुस्से में चल रही है। ओ माई गॉड भाई, इसको ऐसे ऊपर हाथ में करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन की तरफ भाग रही है, लेकिन नीचे जो है ये काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन मैं सच बताऊं तो भाई ये जो है ना एक टॉय के हिसाब से काफ़ी तेज भागती है, और मुझे जो है ये चलती हुई काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मुझे काओ जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो मिल्च काओ जो कि दूध देने वाली गाय होती है, तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख देना, उसके आगे लिख देना काओ, ताकि मैं जो आपको ये वॉकिंग काओ गिव अवे कर सकूँ। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो ये आ गई भाई हमारी फोर्ड की मस्टैंग कार, और ये जो है इसका लुक देखो एक बार आगे से, भाई साहब इतना बढ़िया दे रखा है ना, ये फिनिशिंग देखो यार, और ये इसकी ग्रिल वगैरह देख रहे हो, ये सब कुछ जो है यार ये मेटल का बना हुआ है, ये पूरी की पूरी एक डाईकास्ट कार है, और इसके अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखो इसकी टंकी पेट्रोल वाली कितनी सेक्सी लग रही है, कितनी ज़्यादा गुड लुकिंग लग रही है यार, बहुत ज़्यादा गजब लग रही है। और ये देखो प्रॉपर इन्होंने यार इसकी जो टेल लाइट है ना वो भी एकदम मस्टैंग की तरह दे रखी है। तो ये जो कार मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी, इन्होंने वाइपर की डिटेल वगैरह दे रखी है, डैशबोर्ड दे रखा है, सीट दे रखी है भाई, एक छोटा सा जो है ना इन्होंने गियर भी दे रखा है, स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। और ये जो गेट है ये मुझे बहुत ज़्यादा भा रहे हैं भाई, और बहुत ज़्यादा सुंदर है यार कार, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये येलो कलर की जो है ना लो, और यार ये जो है ना लोहे की कार मतलब मेटल की कार जो है मुझे बहुत पसंद है यार। ये देखो इसका गेट देखो एक बार यार, कितना प्यारा है, और ये ना आवाज़ भी आती है इसके गेट में, जब इसको बंद करेंगे ना फटैक देना आवाज़ आएगी, देखो है ना, मतलब कितनी प्यारी आवाज़ आई है यार, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये ना एक डाईकास्ट कार है जिसकी वजह से ये जो एक पुल बैक कार भी है, तो आप इसका टायर को पीछे खींचोगे, यानी कि जब आप इसको फर्श पर रख के पीछे की तरफ खींचोगे और जैसे छोड़ोगे तो ये ऐसे भागती है। तो आपने देखा इसके पहिए की भाई जो आवाज़ है टायर की कैसे गोली की तरह जूम, तो ये जो वॉइस है इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आपको भी फोर्ड की मस्टैंग कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको भी ये पसंद आई, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है मस्टैंग कार, ताकि मैं जो आपको डाईकास्ट कार गिव अवे कर सकूं। तो इसको रख देते हैं भाई वापस से इसकी जगह पर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई साहब वाटर गेम जो कि एक ट्रांसपेरेंट गेम। तो भाई ये देखो आयरन मैन ने भाई अपनी शक्ति मारी एकदम से, यहाँ से आप इसको निकाल के पानी भी भर सकते हो अगर आपका कभी पानी कम हो जाता है या गंदा हो जाता है। ये इन्होंने पूरा का पूरा भाई आयरन मैन बना रखा है, और आगे भी आयरन मैन बना रखा है। इसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, जींस की आप इसको अपनी ऊपर वाली पॉकेट में भी रख सकते हो, और इसको एक हाथ से खेल सकते हो क्योंकि ये जो पूरा ऊपर एक फ़ोन के साइज़ का बना रखा है। तो ये देखो इसके अंदर दो रिंग दे रखी हैं, तो इसके अंदर देख सकते हो आप ये भाई दो स्टिक दे रखे, दो डंडी जो कि व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर आपको छल्ले भरने हैं। पर इसके अंदर चैलेंज ये है कि इसके अंदर बटन एक ही दे रखा है, तो भाई एक बटन से आप कितनी तेजी से भर सकते हो, एक दो तीन चार और ये पांच, तो भाई आपने खुद देखा कि ये जो सिर्फ मैं 5 सेकंड के अंदर सिर्फ एक ही भर पाया हूं यार, मतलब मेरी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही गंदी होती जा रही है। अगर आपको लगता है कि आप 5 सेकंड में मुझसे ज़्यादा भर सकते हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना आयरन मैन वाटर गेम, ताकि मैं जो आपको ये वाली वाटर गेम गिव अवे कर सकूं। और ये देखो भाई ये बहुत ही ज़्यादा पक्के वाली प्लास्टिक के, देख सकते हो आप इसकी मोटाई वोटाई, ये जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा इसका कांच है जो कि ट्रांसपेरेंट कांच है, जिसके नीचे आपको ये आयरन मैन पूरा साफ क्लियर देखने के लिए मिलता है। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़ जो कि है यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाला सुनहरे बाल वाला 6-in-1 पेन। 6-in-1 इसलिए क्योंकि इसके अंदर भाई नीला कलर है, ये देखो ये इसका नीला भी चलता है, इसके अंदर लाल कलर का सिक्का है, इसके अंदर हरे कलर का सिक्का है, इसके अंदर ऑरेंज कलर का पेन है, ये देखो ऑरेंज भी चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आप ये देख रहे हो मतलब इसमें ऑरेंज भी चलता है, इसके अंदर भाई पर्पल वगैरह भी चलता है, ये देखो ऊपर वाला ये ब्लू है नीचे वाला पर्पल है, तो आप ये देख सकते हो यार इसके अंदर इतने सारे कलर हैं, और इसके अंदर भाई ये ब्लैक कलर भी है, तो ये इसीलिए जो है ना 6-in-1 पेन कहलाता है। तो इसीलिए जो है ना भाई आपको जितने भी 6 कलर आपको इसके बालों में दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इसके अंदर इन्होंने सिक्के डाल रखे हैं, यानी कि ये 6 पेनों का काम अकेले करने वाला है, यानी कि भाई पेन एक और काम अनेक। और ये ऊपर से देखो कितना सुंदर है, इसने आइस क्लोज कर रखी है अपनी, रंग बिरंगे इसके बाल हैं, और इसके भाई ये वाले जो बाल है ये वाले भी इसके भाई रंग बिरंगे हैं, जिसको आप अगर ऊपर की तरफ भी करोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं है ना, कितना प्यारा लग रहा है, ये रेनबो की तरह ऐसा लगता है जैसे कि भाई इंद्रधनुष आ गया है। और जब आप नीचे को करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है देखने में। तो मुझे तो ये पेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अगर आपको भी पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, उसके आगे लिख देना यूनिकॉर्न पेन 6-in-1, ताकि मैं जब आपको गिव अवे कर सकूं। और ये भाई साहब एक छल्ला जिसको आप अपने बैग में टांग सकते हो, आप इसको अपने बाइक से आप किसी भी जो है बाइक की चाबी का छल्ला भी बना सकते हो, क्योंकि ये एक पॉपेट वाला है जिसके अंदर आपको मिलते हैं भाई 3 से 4 कलर। ये देखो इसके अंदर ग्रीन कलर मिलने वाला है, इसके अंदर पिंक कलर है, इसके अंदर मार्शमेलो कलर है, इसके अंदर भाई पर्पल कलर है, और वायलेट कलर भी है। तो ये देखो
इतना प्यारा है ना ये पोपेट पट पट इसके अंदर आवाज आती है ना, मतलब कितने सुंदर है यार ये, बहुत ज्यादा प्यारी आवाज आती है। तो अगर आपको भी भाई पोपेट पैन हो गए, आरसी कार्स, गन्स हो गई, डाईकास्ट कार, स्पिनर्स, इन सबसे ज्यादा खेलना अच्छा लगता है, तो आपको लिखना भाई अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे लिख देना भाई पोपेट पैन एंड स्पिनर, क्योंकि ये जो स्पिनर है इसके अंदर लगे हुए हैं 18 स्टील के कंचे छोटे छोटे, जिसकी मदद से ये देखो इतनी तेज घूमने वाला है, और ये ऊपर लगे हुए हैं 8 इसके ऊपर स्टील के कंचे, और ये गोल्डन कलर का है, ऐसा लग रहा है जैसे भाई किसी सुनार की दुकान से बनवाया है, लेकिन नहीं, ये जो है सिर्फ इन्होंने पेंट कर रखा है गोल्डन कलर का, जो जिसके अंदर ना शीशे की तरह जो है आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये देखो इसकी आवाज है ना, मतलब कितना बढ़िया भाई, ये वाकई में प्रॉपर एकदम मेटल का बना हुआ है, पूरा का पूरा मेटल का, ये यहां से लेकर यहां तक अंदर तक हर एक चीज मेटल की, और ये देखो इसकी स्पीड तो है ना, मतलब कितनी तेज है यार इसकी स्पीड, वाकई में मुझे जो है काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये बहुत अच्छे से चलता है, और ये देखो धीरे धीरे जैसे मैं करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो भाई कोई रथ ले रखा है अपने हाथ पे, तो ये देखो लग रहा है ना ऐसा जैसे कोई रथ का पहिया मैंने अपने अंगूठे पे रख लिया हो। तो मुझे पर्सनली स्पिनर्स काफी अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है ताकि आपको गिव अवे हो सके, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। अब स्पिनर के बाद भाई बारी आने वाली है एक ऐसी चीज की जो काफी ज्यादा तगड़ी और बहुत ज्यादा मजेदार है, और वो है हमारा भाई साहब ये समरीन वाला एक इलेक्ट्रिक शार्पनर। जी आपने सही सुना, कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर सिर्फ बैटरी डालनी है या फिर आप इसको जो है चार्ज भी कर सकते हो, और ये इसका चार्जिंग स्लॉट। इसके बॉक्स में जो है इस तरीके से एक चार्जर आता है जिसके अंदर एक लाल लाइट जलने लग जाती है जब ये चार्ज होता है, और वो हरी हो जाती है तब उसका मतलब है कि ये लाल, और जब हरी हो जाए तब समझ लेना कि भाई ये पूरा चार्ज हो चुका है। देखो ऐसे लगाना है, और जैसे ये लाल से हरा हो जाएगा तब समझ लेना ये चार्ज हो गया है। लेकिन सबसे बढ़िया टिप्स दूं तो भाई इसको जो है ना आप बैटरी से ऑपरेट करना। देखो इसके अंदर मैंने दो सेल डाल रखे हैं, ये बैटरी से ना बहुत लंबा चलता है यार, और इसके अंदर का जो शॉर्पनर काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये देखो यहां पर ऑफ रहता है, यहां पर ये ऑन हो जाता है, और ये यहां पे भाई आप लंबी से लंबी इसकी निब छील सकते हो। ये लेने वाला हूं भाई मैं एक पेंसिल, और इसकी जो है ये मैं आगे से निब तोड़ने वाला हूं। तो आप ये देख सकते हो भाई ये हमने इसकी जो है निब को अच्छे तरीके से तोड़ दिया है, और अब जो मैं आपको छील के दिखाने वाला हूँ पेंसिल। तो आपको जो है ना भाई कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से इसको दबाना है और इसकी आवाज सुनना। ये देख रहे हो, मतलब इसके अंदर भाई छिलका देख रहे हो आप, ये देखो छिलका भी कितना बढ़िया तरीके से जा रहा है यार, क्या बताऊं मैं आपको। ये देखो एकदम, एक तो इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और इसने भाई दो बार के छिलके में ही जो पूरी की पूरी पेंसिल छील दी, और ये देखो इसकी निब इतनी बढ़िया निब है कि मैं आपको क्या ही बताऊं यार। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, मैं इससे राइटिंग जो काफी अच्छी आने वाली है। और रही बात डस्ट की, तो इसको इस तरीके से जो है आपको खोलना है, ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा जो है ना ये शार्पनर बाहर आ जाता है, और इसके अंदर का जो डस्ट है आप आराम से निकाल के किसी भी डस्टबिन में आराम से डाल सकते हो। और उससे भी अच्छी चीज कि अगर आपकी ये जो है भाई शार्पनर की अगर आपकी धार खत्म हो जाती है या आपकी पेंसिल इससे नहीं छिल पाती, तो आपको जो इसके अंदर भाई दो शार्पनर और फ्री मिलते हैं, इसके बॉक्स में ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको जो है ये पूरे के पूरे 2 साल तक चला देगा। यानी कि भाई इसका जो है ना एक शार्पनर आपका 6 से 7 महीने आराम से चलने वाला है। तो यानी कि आप जो अपनी क्लास में इसको आराम से बैठ के पूरे दिन भर यूज कर सकते हो, जितना मर्जी आप इसको छील सकते हो, और कुछ भी नहीं करना आपको, या आप इसको चार्ज कर लो या फिर आप इसके अंदर बैटरी डाल के रखो, क्योंकि चार्जिंग एक टाइम पे खत्म हो सकती है लेकिन बैटरी जल्दी खत्म नहीं होती है, वो 1.5-2 महीने तक आराम से चलती है। तो आपके पास अब एक ऐसा इलेक्ट्रिक शार्पनर आ गया है जो कि भाई फ्यूचर वाला शार्पनर है, जो काफी तगड़ी इंजीनियरिंग वाला बना रखा है, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पेंसिल अंदर डालो और ऑटोमेटिक आवाज आएगी ज़ज़ज़ज़ज़, उसके बाद पेंसिल छिलके भाई ऑटोमेटिक बाहर, तो जो है आपको बहुत अच्छी राइटिंग मिल सकती है, और कूड़े की भी कोई टेंशन नहीं हो। ये दिखने में भी कितना क्यूट है, और बहुत ज्यादा सुंदर भी है, मतलब बहुत ज्यादा वंडरफुल है ये। तो यार ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, अगर आपको भी पसंद आया इलेक्ट्रिक शार्पनर तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे लिख देना इलेक्ट्रिक शार्पनर, जो आपको फ्यूचर की याद दिला देगा। तो भाई इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई अब हमारा सबसे आखिरी रह गया एक क्यूब, जो कि भाई बहुत तगड़ा, और ये देखो अलग अलग डिजाइन में इसको मैंने कर दिया है। अगर आपको भाई इसको बनाना आता है, देखो मैं आपको सच बताऊंगा, मेरे को कम से कम जो है ना भाई देखो 30 मिनट लगते हैं, 40 मिनट, 35 मिनट इतना मुझे लग जाता है इसको बनाने में। अगर आपको लगता है कि आप जो 30 मिनट से पहले पहले इसको बना सकते हो पूरे के पूरे को, तो भाई आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे भाई आपको लिखना है क्यूब, ताकि मैं जो आपको इस क्यूब को आपके घर तक गिव अवे कर सकूं, बस एड्रेस लिखना मत भूलना। और ये जो क्यूब है ना भाई, ये देखो ये 3x3 वाला है, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कि जो बीच से आपको जो छेद दिख रहा है ना, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इसकी क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास बहुत सारे यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्यूब्स। बट दिक्कत एक ही है कि मुझे जो भाई 25-30 मिनट आराम से लगते हैं, और 30-35-40 मिनट तक भी लग जाते हैं कभी कभी। और अगर आपको लगता है आप जल्दी बना सकते हो,
तो भाई आपको अपना नाम लिखना है और मैं बाकी मैंने आपको बताई दिया कि आपको क्या करना है। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर, और मुझे भी भाई क्यूब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई आज मैं लेने वाला हूँ उन 15 लोगों के नाम जिनमें से दो को मिलने वाला है एक RC स्मोक कार, वो भी फॉर्मूला 1 वाली। तो ये हैं वो 15 नाम, कृष्णा, निर्मला देवी, सानिया, विरपोदर, दीपू सरकार, विवेक, राहुल, मुकेश कुमार, ऋतिक दास, आदर्श, हर्षित, यशोदा, प्रिया मिश्रा, रवि लोकाम, अनिक दास। तो भाई आज इन 15 लोगों में से किसी एक को मिलने वाली है ये अटैची वाली ब्रीफकेस वाली फॉर्मूला 1F रेसिंग कार, जो कि भाई RC स्मोक कार है। इसके अंदर LED लाइट्स भी जलती है और ये बिल्कुल जमीन से चिपक के चलती है। इसकी स्पीड काफी अच्छी है और इसका रिमोट कंट्रोल भी बहुत तगड़ा दे रखा है। आपको जो भाई एक चम्मच से भी कम पानी डालना होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो है ना ऐसा धुआं निकलेगा एकदम। और भाई ये जो धुआं है ना लिटरली काफी ज्यादा बवाल लगता है, बहुत तगड़ा लगता है। इसके अंदर जो आप पन्नी देख रहे हो इसके अंदर आपको मिलती है बोतल पानी वाली, और ये जो स्प्रे का बटन है इसको दबाते ही एकदम से धुआं छोड़ती है गाड़ी पीछे की तरफ से, और लाइट भी जलती है उसके अंदर नीली पीली लाल। तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो आज 15 में से मिलने वाला किसी दो लोगों, तो उनकी होने वाले बहुत ही ज्यादा चांदी। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल नहीं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में दी गई बेल आइकन, ताकि आने जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।